आज एसपी ऑफिस आप किस लिए आई है, क्या है? एसपी ऑफिस मुझे बुलाया गया मेरे बयान दर्ज कराने के लिए। मैंने कंप्लेन की थी उसके लिए। क्या है पूरा घटना, किसके खिलाफ कंप्लेन की थी, क्या है पूरा मतलब, पूरा बताइए। हमें ये कि लड़का सुधीर तिवारी उस तन्मय तिवारी आज से 1.5 साल पहले मुझे अमेठी मुंबई में मिला था। धीरे धीरे करके उसने मुझे विश्वास में लिया और उसके घर वालों ने और मेरे ऐसे करके 17-18 लाख रुपए खा गया, मुझे शादी का झांसा दिया, मेरी मांग में सिंदूर विंदूर भरा और मेरा डाइवोर्स करा दिया। मेरे दो बच्चे मुझे सबसे अलग करा दिया उसने, तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया था वो अमेठी आ गया था भाग के और मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए कि तू मेरी पत्नी है, शादी का झांसा मतलब मांग में सिंदूर भर के बीवी बना के रखा था अपने पास। ये कितने दिन प्रकरण चला और उसके बाद आपने तो FIR भी दर्ज कराई थी, क्या है आगे का क्या हुआ? मैंने अमेठी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और उसके खिलाफ दर्ज हुई भी थी। 3 महीना वो जेल में बंद था, उसे जबरदस्ती इन्होंने कॉम्प्रोमाइज का वो साइन कराया था जबकि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं था। इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी और इन चीज़ों के बिहाफ पे कुछ झूठा एफिडेविट का करके इन्होंने हाईकोर्ट में पेश किया और वकील सब मिले हुए थे। मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, मुझे अंधविश्वास में रखा गया था क्योंकि मैं मुंबई रहती हूँ। तो जो इन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ मैं वापस से कोई स्टेप लूँगी, बेल कैंसिलेशन पे मैं जाऊँगी और मैं जब तक लड़ाई लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। भले इसके लिए 5 साल लगे और 10 साल लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी डेट फाइल डाली केस ट्रांसफर के लिए कि मेरा केस मुंबई से हो जाए और मुंबई में भी कंप्लेन की, लेकिन ये लोग नोटिस नहीं ले रहे जानबूझ के। लोग बोल रहे हैं और मैं डिम्पल को नहीं जानता हूँ जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया। इसके बाप, इसके भाई, इसकी बहन, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सालों से आप न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो क्या अभी तक क्या रहा कि आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिल रहा है कि नहीं? मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय चाहिए और मैं न्याय के लिए लड़ती रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट में जो इन्होंने झूठ बोला है, जज के सामने इन्होंने जो गलत चीज़ें पेश करी है, इसमें जज की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को मान रहे जो उनके सामने पेश किया गया। लेकिन सच्चाई क्या है उसके लिए मैं ज़रूर लड़ूंगी हाईकोर्ट में।